हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है क्या बहुत खुश होंगे। तो गाइस, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन सारे लोगों की चैनल मोनेटाइज नहीं है, इवन जिन सारे लोगों की चैनल पे 10-20 सब्सक्राइबर है, उन सारे लोगों के चैनल के ऊपर वीडियोस के ऊपर भी एड्स चलने लग जाती है। वो कैसे काम करती है सिस्टम, क्यों होता है एड्स, और ये एड्स का जो पैसा है वो आपकी कौन सी बैंक अकाउंट में आने वाला है, सारा डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए, कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा। हालांकि ये वीडियो मेरा पहला वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है, बट इस वीडियो के ऊपर क्लिक किए तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। लोगों ने जो बताया उससे भी आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे फ्रास्टली सीधे बात करते हैं कि आपके वीडियो के ऊपर एड्स क्यों चलती है। जब आपकी खुद की वीडियो होगा, जैसे मैं यहाँ पे इवन बैठ के आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ऐसे अगर आपकी खुद की फेस कैम की वीडियो है ना, तो कभी भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, आपके वीडियो के ऊपर विदाउट मोनेटाइजेशन एड्स नहीं चलेगा। बट आपने किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो को कॉपी करके आप अपने चैनल के ऊपर डाल दिया हो, या फिर वीडियोज की मान लीजिए कि किसी भी पार्ट्स को भी हो सकते हैं कि 2-3 मिनट तक आप अपने वीडियोस के ऊपर डाल दियो ना, तो उस समय क्या होता है कि उन सारे वीडियोस के ऊपर एड्स चलने लग जाते हैं। तो उस समय क्रिएटर सोचते हैं कि हाँ यार, मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो मेरे पास पर्सनली ऐसा एक सवाल आया था, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, तभी मैं आपको बता रहा हूँ इस सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझा दूँ तो अगर आपने दूसरे यूट्यूबर की वीडियो को कॉपी करके आप अपने चैनल के ऊपर डाल रही हो, तो उस समय एड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूट्यूब का जो AI सिस्टम है, मशीन लर्निंग सिस्टम है, या फिर कहो एल्गोरिथम है, वो इस चीज़ को पकड़ नहीं पाता है कि वीडियोज जो है किसी दूसरे चैनल पर अपलोड हुआ है जो मोनेटाइज नहीं है। फिर भी वो इस चीज़ को पकड़ लेता है कि ये जो वीडियो पहले से मोनेटाइज है, तो ये दूसरी जगह भी वीडियो चलने लगता है, तो उसी वीडियो के ऊपर एड्स सार्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक मशीन लर्निंग सिस्टम का शायद हो सकती है कि ये लूप होल है YouTube का। मशीन लर्निंग सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे वीक पड़ जाता है, इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि ये जो है विदाउट मोनेटाइज चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, हो सकते हैं भले ही जो है कॉपीराइटेड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इसलिए जो उन सारे चैनल के ऊपर एड देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे लास्टली बात कर लेते हैं फाइनली कि ये पैसा आपको कैसे मिल सकती है। जी हाँ, कभी आपको नहीं मिलेगा, ये पैसा सीधे चले जाएगा उसी ओनर के पास जिसका ये वीडियो है, जो बड़े क्रिएटर की ये वीडियो है, ठीक है, जिनका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है, उसी एडसेंस खाते में पैसा चल जाएगा। तो इससे आप दूरी रहो, आपके अंदर एक हो सकती है कि चुल आ जाए कि भाई कैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, उस वीडियो पे एड्स इसीलिए आ रही है जैसे कि मैं आपको समझाया हूँ। और हाँ, ऐसा मत करो, ऐसे करने से कि आपके चैनल के ऊपर खतरा तो एकदम 100% है, कभी भी स्ट्राइक पड़ सकते हैं, क्लेम तो पड़ ही जाएगा सारा कुछ जो है। अब तो इसलिए दूसरे क्रिएटर की वीडियो को मत उठाओ, आप अपने दम पे काम करो जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। जो भी जानकारी चाहिए मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, मेरे को कमेंट कीजिए, जो भी जानकारी चाहिए उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के देने वाला हूँ। आई होप कि आपको सारे लॉजिक समझ में आ गया कि कैसे विदाउट मोनेटाइज चैनल के ऊपर जो है एड्स चल जाती है। यही था फंडा, ये सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, बहुत खुश है, दूसरों को ढेर सारी खुशियां बांटते रहिए। मैं मिलता हूँ अगले कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ही खुश रहिए। बाय।